सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI द्वारा सोमवार को कलेक्टोरेट में एक ज्ञापन सौंपा गया और देश और प्रदेश में घट रही मॉब लिंचिंग और असामाजिक घटनाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI ने सोमवार को कलेक्टोरेट में ज्ञापन सौंपा और प्रदेश और देश में घट रही मॉब लिंचिंग और असामाजिक घटनाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। SDPI द्वारा राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान SDPI के जिला अध्यक्ष शेख कयामुद्दीन ने बताया कि देश और प्रदेश में अराजकता का माहौल बना हुआ है और मॉब लिंचिंग और असामाजिक घटनाएं लगातार घट रही है। इन पर सरकार और प्रशासन का कोई काबू नहीं है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में सोफिया सैफी के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी गई, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ऐसा ही मामला नीमच के सिंगोली में भी हुआ। आदिवासी युवक की बर्बरता से हत्या कर दी गई और प्रशासन ने पीड़ित परिवार को सिर्फ 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया। इससे परिवार का भरण पोषण कैसे होगा? उन्होंने पीड़ित परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा देने और एक सदस्य को सरकारी नौकरी की मांग की। इसके साथ ही इंदौर में चूड़ी बेचने वाले युवक के साथ मारपीट पर भी आक्रोश जताया और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। इस मौके पर SDPI के नदीम अख्तर कुरैशी भी मौजूद थे। सर, आज हम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI की जानिब से यहाँ पर राष्ट्रपति के नाम से, राज्यपाल के नाम से माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने के लिए आए हैं यहाँ पर। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, आज प्रदेश के अंदर, देश के अंदर अराजकता का माहौल बहुत ज़्यादा हो रहा है। मॉब लिंचिंग घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। सरकार और प्रशासन है वो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी नहीं निभा पा रहा है। आज जैसा आपने देखा, इंदौर के अंदर जो घटना हुई, इंदौर के अंदर चुड़ी वाले के साथ जो मॉब लिंचिंग हुई, उसके अंदर जब प्रशासन से गुहार लगाने के लिए, जब न्याय मांगने के लिए जब लोग गए, तो उन्हीं के ऊपर जिला बदर की कार्रवाई कर दी गई, जो कि ये दर्शाता है कि प्रशासन अन्याय करने वालों के साथ और न्याय मांगने वालों के विरुद्ध है। एक घटना हुई अपने पास में जो सिंगोली में, तो वहाँ पर भी उसको 4 लाख का मुआवजा देकर उसका मूवन करने की कोशिश की गई। ऐसा लगा, अब आप खुद सोचिए, जब उसका परिवार का पूरा भरण पोषण की जिम्मेदारी उस व्यक्ति के ऊपर थी, व्यक्ति नहीं रहा, 4 लाख की FD से उसका जीवन यापन किस तरह से होगा? तो हमने मांग करी है प्रशासन से कि उसको मुआवजे के रूप में 1 करोड़ रुपये दिया जाए और जहाँ तक हो सके तो उसके बालक को भी सरकारी नौकरी दी जाए। साथ ही हम, जैसा कि आपने देखा, अभी राबिया केस हुआ है दिल्ली के अंदर, उस महिला जो पुलिसकर्मी थी, महिला पुलिसकर्मी के साथ में वहाँ पर अन्याय हुआ, उसकी हत्या कर दी गई और पुलिस का रवैया गैर जिम्मेदारा ने वहाँ पर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई, दोषियों के खिलाफ दिखती होती ही नहीं दिख रही है। और हम प्रशासन से, आप मीडिया द्वारा ये मांग करते हैं कि आप इस मुद्दे को थोड़ा तवज्जो दिलवाएं कि प्रशासन भी इस ओर ध्यान दे और जो देश में, प्रदेश के अंदर अराजकता फैल रही है, इसके बारे में गृह मंत्री या तो इस्तीफा दें या फिर दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें।